नमस्कार, स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट इन डेप्थ में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। जैसा कि हम हर रोज आपके सामने एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं और गंभीरता से उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो आज फिर आज का बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 634 एडमिशन को रद्द कर दिया गया है और ये MBBS के एडमिशन थे जो कि 2008 से लेकर 2012 के बीच किए गए थे। सबसे बड़े घोटाले की जांच एक बार एक फिर ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसमें सबसे बड़ी अदालत को आखिरकार बड़ा फैसला लेना पड़ा। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अखलाक। अखलाक, सबसे पहले तो आप जानेंगे 634 MBBS स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लग गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे टाइम पे, जब 634 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है तो उनको क्या करना है। और जहां तक हम जानते हैं कि PMT के केस में व्यापम का मामला जो है वो 2009 से हमारे सामने है, 2009 से ये चला आ रहा है। तो उस टाइम पे जब 2013 में जगदीश सागर को गिरफ्तार किया गया और ये बिल्कुल हाईलाइट में आया, तो कांग्रेस चूंकि नई नई हारी हुई थी और कुछ ना करने की पोजीशन में थी, अपोजिशन में बैठने की पोजीशन में नहीं थी, तो वो कुछ नहीं कर पाई। और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उस टाइम पे इसको निप इन द बड किया जाता, यानी कि उसी टाइम पे खत्म किया जाता। तो अब ये जो है एक उसके आफ्टर इफेक्ट सामने आ रहे हैं कि 634 स्टूडेंट्स का दाखिला जो है वो रद्द कर दिया गया, चूंकि उसमें अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हाई रैंक दिलाई जाती है और इस तरह की बातें सामने होती हैं, जो कि रैकेट के मुखिया के गिरफ्तार होने के बाद भी चला आ रहा है। तो अब तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहूंगा कि है इसके ऊपर। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है कि MBBS जैसे स्टूडेंट्स, MBBS जैसी बड़ी परीक्षा जिसमें की बात इस कोर्स को करने के बाद सीधा सीधा आमतौर पर जो विद्यार्थी होते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टरी के पेशे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, क्या कहते हैं, सवाल उठना लाजमी है सरकार के ऊपर। जी जी, जब 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स बैठे थे यानी कि 32 लाख स्टूडेंट बैठे थे और उस टाइम पे उनको रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस में बहुत बड़े घोटाले हुए थे, यानी कि इम्पर्सोनेशन किया गया था, दूसरों ने बैठ के एग्जाम दिया था, कॉपिंग की थी यानी कि नकल हुई थी, लीकेज हुआ था और पेपर का, और तमाम इस तरह की बातें हुई थी जिसके बाद पहली FIR 2000 में दर्ज हो पाई थी, तभी हमको इस बात को समझना चाहिए था कि स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो अधर में अटक जाएगा अगर गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स और मिडिलमैन मिलकर इसी तरह से खेलते रहे। तो अब उसी के नतीजे हमारे सामने हैं। जाहिर सी बात है कि नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और 634 बच्चों का यानी कि विद्यार्थियों का दाखिला ही रद्द कर दिया है। बड़ा इनिशिएटिव कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अखलाक, कितने बड़े घोटाले के तौर पर आप इसे देखते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कही जाती है CBI और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पिछले 3 साल से इस मामले में इंटेरोगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ऐसे में सबसे बड़ी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। कितना बड़ा घोटाला, कितने बड़े लेवल का ये घोटाला आप कह सकते हैं और आप इसे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कही जाए कि क्या कुछ बैकग्राउंड है, पूरा डिस्क्राइब करके बताइए। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि इसमें STF पहले फॉर्म की गई, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके बाद जो है जब मामला नहीं काबू में आया तो इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया गया यानी CBI को दे दिया गया। 2009 में ये STF के पास था, 2013 में CBI के पास था, तो ये सारी बातें हैं। उसके पहले से चला आ रहा है क्योंकि mid-90s से हम इसको देख रहे हैं कि ये घोटाला सामने है और जो भी फिगर्स हैं हमारे पास, वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो या फिर जो है 2G स्कैम हो या 3G स्कैम हो, जितने भी स्कैम हमारे सामने हुए हैं वो सारे स्कैम को देखते हुए ये भी उनसे बड़ा और कम वायलेंट घोटाला नहीं, क्योंकि इसमें 21 से 40 लोगों की जान गई है जिसमें मेन जो है वो जर्नलिस्ट्स हैं जो प्रोब कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो लोग लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा घोटाला ना हो के, बहुत बड़ा मामूली घोटाला सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे ना हो के या करप्शन के लेवल पे ना हो के वायलेंट भी हो जाता है, तो जो कि और घोटालों में जो एंगल नहीं दिखाई पड़ता है वायलेंस का बहुत ज्यादा, वो इसमें निहित है, वो इसमें है काफी हद तक। तो हमको मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला और इसमें दो गवर्नमेंट्स एक साथ फेल हुई है, तो कांग्रेस की पूरे तौर से मध्य प्रदेश में फेल रही और उसके बाद फिर जहां पे BJP का सवाल है वो भी अभी फेल दिखाई पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि दो सरकारों का सवाल है और ऐसे में बात बड़ी ये भी हो जाती है कि कई लोगों की इसमें हत्याएं हो चुकी हैं जो कि सबूत के तौर पर, गवाही के तौर पर, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आगे आने चाहते थे, आगे आने वाले थे, ऐसे में उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल एक और हो जाता है जो कि इस पे बड़े बिंदु खड़े करता है कि आखिर कहां कितनी बड़ी चूक है, कौन से वो सफेदपोश लोग हैं जिनका नाम सामने आने से किसी को डर है और ऐसे में जो भी सामने आता है उसे हटा दिया जाता है रास्ते से। अकाक, एक बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों के चुनाव का माहौल चल रहा है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण, पहले चरण का चुनाव हो चुका है और आगे
छह चरण अभी बाकी बच जाते हैं और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि बाकी राज्यों में उसकी सरकार बने जी, जी, और ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट ये सवाल खड़े करता है कि व्यापन घोटाला जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में हुआ है जी, 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 अगर ऐसे में ये घोटाला उजागर होता है या इसकी जांच में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की खामियां सामने आती हैं तो क्या लगता है आगे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव पे असर पूरा पड़ेगा क्योंकि मीडिया जो है इसको हाईलाइट कर रहा है और आज ये प्राइम न्यूज रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका चुनाव पे असर पड़ना ही है क्योंकि हम देखते हैं जहां तक अगर एक एग्जीक्यूटिव पिलर है, एक लेजिस्लेटिव पिलर है, एक जुडिशरी है, तो उसके बाद चौथा पिलर जो है वो हमारा मीडिया ही होता है डेमोक्रेसी का। तो जो डेमोक्रेसी का सबसे चौथा पिलर है वो जाहिर सी बात है कि इस बात को पूरे तौर से फोकस में ला रहा है और जुडिशरी अपनी जगह स्ट्रांग डिसीजन ले रही है तो इसका पूरा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि पूरा असर पड़ेगा लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब क्या कुछ मामला निकलकर सामने आएगा। जैसा कि अखलाक ने आपको बताया है कि बड़ा मुद्दा हो चुका है ये व्यापम घोटाला जो कि सरकार के लिए एक शर्मनाक बिंदु खड़ा करता है। इसका जो दामन है घोटाले का वो कहीं ना कहीं बेगुनाहों के खून से भी लाल हो चुका है। अखलाक जिस तरह की आपने बताया है बिल्कुल कि 20 से 21 से 30 लोग तक मारे जा चुके हैं, 40 लोग तक लोगों की जान जा चुकी है इसमें और ये सभी वो लोग थे जो कि कहीं ना कहीं कड़ियां उजागर करने वाले थे, कलई खोलने वाले थे इस मामले में। तो फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही, कल फिर इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ। लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारी वेबसाइट के साथ। हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। इसके अलावा आप हमारी तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर YouTube लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप YouTube पर जाएं, कोबरा पोस्ट लिखें और प्रेस करें। तमाम वीडियोस आप हमारी देख सकते हैं। नोटबंदी से लेकर चुनाव तक हम आपको स्पेशल कवरेज लगातार दिखा रहे हैं वीडियोज के जरिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।